जिस तरीके से ऊपर आए हैं, जिस तरीके से हर फिल्म में वो परफॉर्म करते हैं, अपनी पूरी जान डालते हैं, जब आप थोड़े से नोन हो जाते हैं तो आपकी लाइफ सिर्फ आपके फैमिली या फ्रेंड्स नहीं, उस तरीके से बस थोड़ा शांत रहना ही ठीक होता है। आप अपनी चीज़ों के साथ और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, बाकी लोगों को जो बोलना है वो तो वैसे भी बोलेंगे। हाय, मैं हूँ हरलीन सेठी और आप मुझे देख रहे हैं हिंदी रश पे। हरलीन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक तो आपकी वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की वजह से लोग आपको जानते हैं, और लेकिन सेकेंडली जो आपका वीडियो वायरल हुआ था इंटरनेट पे डांस करते हुए, उसकी वजह से भी लोग जानते हैं, लेकिन रियल हरलीन की बात करें तो किस तरह की जर्नी रही है अब तक और क्या कुछ बताना चाहेंगे? हरलीन की जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है भगवान की दया से। सब कुछ अपने आप ही होते चला गया, कोई प्लान नहीं था कैमरा के सामने आने का, कोई प्लान नहीं था लाइफ में डांस करने का, बट सब कुछ होता चला गया और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, बस ये मेरी ख्वाहिश है। कोई स्ट्रगल रहा है कभी? स्ट्रगल एज एन एक्टर ऑनेस्टली रोज़ ही होता है, रोज़ ही आपको लगता है कि शायद आप इस चीज़ के लिए नहीं बने, फिर लगता है नहीं ये आपको पसंद है, ये आपका पैशन है तो आप लगे रहते हो, तो वो एक स्ट्रगल रोज़ का ही चलता है। फिर जब आप जाके टेस्ट करते हो उस चीज़ का टेंशन होता है, आप सही दिख रहे हो, आपने सही यू नो परफॉर्म किया, नहीं मैं वापस जाती हूँ, नहीं मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक और ले लें, तो वो एक बेसिक स्ट्रगल हर एक्टर का चलता है। बट भगवान की दया से थैंकफुली मैं बॉम्बे से ही हूँ, तो ऐसे कोई रेंट का या बिल्स का ऐसा कोई टेंशन नहीं रहा है, तो वो लेवल की स्ट्रगल नहीं रही है। बट बाकी तो हर एक्टर की स्ट्रगल सिमिलर ही है, यू नो वंस यू गेट सक्सेस इट्स डिफरेंट एंड टू गेट सक्सेस इट्स डिफरेंट, सो स्ट्रगल तो चलती रहती है। ओके, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हो आप? ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का सीजन 2 तो आ ही रहा है जैसे हम सब जानते हैं, उसके अलावा बता नहीं पाऊंगी ज़्यादा, बट आप बहुत जल्दी कुछ अनाउंसमेंट सुनने वाले हैं। फिल्मों की कई बातें चल रही हैं, सो होपफुली समथिंग दिस ईयर। फिल्मों की बातें हो रही हैं तो किस तरह की फिल्म आप चूज करने वाली हैं या करना पसंद करेंगे? मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो विमेन सेंट्रिक फिल्म्स बहुत पसंद है, जैसे लिपस्टिक अंडर माय बुरखा हो गई, या नील बटे सन्नाटा हो गई, या राजी हो गई, और दीपिका जी की छपाकारी है, तो उस तरीके की फिल्में मुझे बहुत पसंद है जहाँ परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो उस तरीके की स्क्रिप्ट्स में पढ़ रही हूँ और होपफुली जल्दी आप कुछ सुनेंगे कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो कौन है बॉलीवुड में जिसे आप अपना इंस्पिरेशन मानती हैं या फिर यू लुक अप टू देम? ऑनेस्टली आई थिंक रणवीर सिंह जिस तरीके से ऊपर आए हैं, जिस तरीके से हर फिल्म में वो परफॉर्म करते हैं, अपनी पूरी जान डालते हैं, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इसके अलावा आई थिंक रणबीर कपूर जैसे हम सबके ही फेवरेट हैं, वो बस स्क्रीन पर आकर कुछ जादू करते हैं, वो कैसे करते हैं वो समझ नहीं आता, बट वो जादू बहुत ही कमाल लगता है। तो क्या वेल एकता कपूर का वेब सीरीज आपने किया हुआ था और एकता कपूर टीवी की क्वीन मानी जाती हैं, तो कभी ऐसा फ्यूचर में ऐसा मौका मिले जब टीवी पर कोई एक बड़ा शो करना हो आपको, एकता कपूर जिसे डायरेक्ट करे, तो क्या आप करना पसंद करेंगे? टीवी आई थिंक आज के टाइम में सारे मीडियम्स इतने ओपन हो चुके हैं, ऑडियंसेस इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं, सबका फोकस अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी राइटिंग, अच्छे किरदारों पर होता है, तो ऐसा कुछ बहुत कमाल का ऑफ़र किया जाएगा अगर, और एकता कपूर जी खुद बोलेंगी तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पर्सनली, आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय हर, सो अगर वो बोलेंगी तो ज़रूर करूँगी। और जी हाँ, ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि किसी भी एक्टर के प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाती है, तो इस तरह की जब खबरें सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया में चलती हैं तो आप इसे कैसे हैंडल करती हैं? आई थिंक जब आप थोड़े से नोन हो जाते हैं तो आपकी लाइफ सिर्फ आपके फैमिली या फ्रेंड्स नहीं, सबके लिए ओपन हो जाती है। आप यू नो जो पर्सनल है वो आई थिंक आपका अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है तो वो आपको सही गाइडेंस देते रहते हैं, और उस तरीके से बस थोड़ा शांत रहना ही ठीक होता है। आप अपनी चीज़ों के साथ जो भी है हंसी खुशी डील करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, बाकी लोगों को जो बोलना है वो तो वैसे भी बोलेंगे, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो, बट लाइक दे से एनी पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी, तो ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। अभी तो लंबा रास्ता है,
तो बस यही है. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरी वन जिन्होंने भी इतना सारा प्यार मेरे लिए हमेशा भेजा है. जो भी चल रहा है या जो भी आने वाला है उस हर चीज़ के लिए मुझे इतनी प्यारी मैसेजेस आती हैं, यू नो, ऑफ सो मच स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक एवरी वन आउट देयर हु टेक्स आउट टाइम टू राइट सच स्वीट मैसेजेस फॉर मी. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इस पर बहुत सारे कॉमेंट्स कीजिए और हिंदी रश को सब्सक्राइब कीजिए.